स्टूडेंट्स हम कर रहे थे अपना चैप्टर सिक्स सेवन्थ क्लास में एल्जैब्रिक्स एक, एक्सप्रेशन सिक्स पॉइंट वन और सिक्स पॉइंट टू हमारी हो चुकी है जिन स्टूडेंट्स ने वो एक्सरसाइज नहीं की तो वो वीडियोस देख सकते हैं सिक्स पॉइंट वन और टू की पार्ट वन और पार्ट 2 3. आ, टू एंड थ्री टू एक्सरसाइज थ्री पार्ट्स में है आज हम करने वाले हैं न्यू एक्सरसाइज सिक्स तो आइए करते हैं हम स्टार्ट और फर्स्ट हम इज सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई के क्वेश्चन हैं ये फर्स्ट पार्ट इज एडिशन के क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 6.3 एडिशन की है आपकी देखिए पे आपके स्टेटमेंट है ये देखिए सेवन टाइम्स एक्स लिखा हुआ है और इसका प्लस करना है तो सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर बताना है देखिए कैसे करते हैं हम वेरिएबल्स देखिए सभी एक्स 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 सारे एक्स ही हैं ये यानी कि वेरिएबल सेम है कोफिशियंट नहीं कुछ लिखा होता तो क्या होता है वो वन होता है यहाँ आपको लिखने की नीड नहीं है मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ देखिए अभी वेरिएबल सेम है कोफिशियंट देखिए वन 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 ये इन सभी को आपने प्लस करना है प्लस की साइन है वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर फोर वन प्लस फाइव फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन तो सेवन टाइम है ये और वेरिएबल क्या है इसके साथ x तो यहाँ पे x साथ लग जाएगा दिस इज योर आंसर ठीक है तो आपने ऐसे एडिशन करना है हमेशा लाइक टर्म्स एड होती हैं लाइक टर्म्स मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था वेरिएबल्स जहाँ सेम होते हैं दैट आर कोल्ड लाइक टर्म्स ठीक है और एडिशन हो चाहे सब्टशन हमेशा लाइक like टर्म्स में होता है अगर वो अनलाइक होंगी तो वो एज इट इज पढ़ी रहेंगी अगर आपके पास क्वेश्चन आए एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये आंसर ही है ये x प्लस वाई इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये वन एक्स है ये वन वाई है बट वन वन टू तो आप कर दें बट ये x और ये यहाँ वाई तो वेरिएबल डिफरेंट है लाइक like टर्म्स ये नहीं है तो यहाँ एडिशन नहीं होता तो ये एज इट इज़ एक्स प्लस वाई ही रहेगा इसका आंसर और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता ठीक है आपको एडिशन के लिए क्या चाहिए लाइक like टर्म्स चाहिए सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का ए स्केयर प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्र प्लस फोर ए स्क्र माइनस ऑफ टेन ए स्केयर देखिए ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर लाइक टर्म्स हैं ये सारी की सारी एडिशन भी पॉसिबल है इन चार टर्म्स का एडिशन भी हो सकता है और जो आंसर आएगा यहाँ पे उसका सब्ट्रेक्शन भी पॉसिबल है क्योंकि ये भी लाइक like टर्म्स है तो हम पहले क्या करेंगे इन सभी का प्लस कर देते हैं वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन यानी कि एडिशन क्या आ गया टेनिस केयर सब्ट्रेक्शन क्या करना है टेने स्केयर टेन स्केयर में से टेन स्केयर माइनस कर दिया तो क्या रह गया आंसर जीरो ठीक है तो ये ऐसे एडिशन करना है आपने क्लियर तो ये हमारा ये होरिजेंटल मेथड भी कंसीडर हो जाता है ये यानी कि जो इस वे में चलता है दैट आर कॉल्ड होरिजेंटल अभी वर्टिकल मेथड भी है इसी एक्सरसाइज में ये दोनों मेथड भी हम करने वाले हैं होरिजेंटल मेथड एंड वर्टिकल मेथड तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम सेकंड सम इज एड add, एडिशन add, का है ये भी फर्स्ट पार्ट है सेवन एक्स वाई कोमा मतलब ये एक टर्म है माइनस थ्री एक्स वाई सेकेंड टर्म एंड एक्स वाई तीन टर्म इन तीनों टर्म का क्या करना है आपने एडिशन करना है तो आइए करते हैं स्टार्ट सेवन एक्स वाई प्लस ऑफ माइनस थ्री एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स वाई देखिए अभी इसको सिंपली भी लिख दें हम प्लस माइनस क्या होता है माइनस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स वाई सेवन एक्स वाई प्लस एक्स वाई पहले एडिशन वाले सॉल्व कर दीजिए सेवन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने हो गए सेवन और वन कितना होता है एट एट एक्स वाई ये भी एक्स वाई है मतलब लाइक like टर्म है सबट्रैक्शन भी पॉसिबल है एट यहाँ पे माइनस का थ्री है एट माइनस थ्री क्योंकि ये सेवन प्लस वन सेवन एक्स वाई ये एक्स वाई और माइनस का थ्री एक्स वाई हमने एडिशन कर दिया सेवन और वन कितने हो गए एट एक्स वाई अब एट में से थ्री एक्स वाई माइनस करना है तो एट में से थ्री गए कितना होता है फाइव तो आपका फाइव एक्स वाई आ गया आंसर ठीक है नेक्स्ट पार्ट देखिए थ्री ए बी टू ए बी थ्री ए बी में टू ए बी प्लस किया तो कितना हो गया थ्री ए बी प्लस टू ए बी दैट इज फाइव ए बी हो गया इसका आंसर और यहां पे एक साथ में माइनस ए बी है यानी कि हम माइनस भी करनी है एक ए बी तो फाइव ए बी में से एक ए बी माइनस होगी तो कितना आंसर आ गया आपका फोर ए बी ठीक है तो ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग होरिजेंटल मैथड मैंशन कर दिया स्पेशली मैथड आपको होरिजेंटल मैथड तो आपने होरिजेंटली चलना है इसको बोलते हैं हम होरिजेंटल और अगर वर्टिकल बोले तो दैट इज वर्टिकल होरिजेंटल की बात करें होरिजेंटल और वर्टिकल की बात करें वर्टिकल दोनों ही मैथड करेंगे हम ये फर्स्ट होरिजेंटल मैथड है नेक्स्ट हम जो है वर्टिकल मैथड का है तो हम वो वर्टिकल मैथड भी स्टडी करेंगे फर्स्ट हॉरीजेंटल मैथड थ्री एक्स वाई प्लस थ्री एक्स प्लस वाई यानी कि थ्री एक्स प्लस वाई एडिशन करना है तो ऐड का साइन लगा दिया ये एक टर्म है सेकेंड टर्म क्या है फोर एक्स माइनस थ्री वाई भी क्या करते हैं हम ऐड तो लाइक like टर्म्स में करते हैं थ्री एक्स में ऐड क्या होगी एक्स वाली टर्म ही तो दे, देखिए एक्स वाली टर्म कहाँ है ये थ्री एक्स ये तो वाई की ये नहीं होगी ये फोर एक्स थ्री एक्स में फोर एक्स होगा तो कितना हो जाएगा आपका सेवन एक्स अभी ये वाई है वाई के साथ ये माइनस थ्री वाई आप रफली करके देखिए वाई एंड माइनस थ्री वाई तो क्या रहेगा प्लस माइनस क्या होता होता है माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो थ्री में से वन वाई थ्री वाई में से वन वाई गाया जाएगा तो टू वाई बट यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का बिकॉज थ्री इज ग्रेटर देन वन जिसका जो बड़ा होता है जिसकी टर्म जो डिजिट बड़ा होता है वही उसका साइन ही चलता है थ्री बड़ा है वन से तो थ्री के आगे माइनस का साइन है तो माइनस टू वाई तो योर आंसर वन एक्स माइनस टू वाई ठीक है ये आपका आंसर आया है नेक्स्ट पार्ट देखिए ये भी हॉरिजेंटल मैथड का एक और पार्ट करते हैं हम ए स्केर बी प्लस बी स्केयर ऐड करना है टू बी स्केयर ए और उसमें ऐड होगा माइनस फोर ए स्केयर बी एडिशन का है अगर माइनस इसके साथ है तो कुछ नहीं हो सकता वो माइनस साथ लगेगा ही लगेगा देखिए अब ए स्केयर बी बी स्केयर ए ये डिफरेंट है आपने ध्यान रखना है ऐसे नहीं देखना कि ए बी है तो बी ए है सेम है सेम नहीं है ए स्केयर बी यहाँ पे बी का स्केयर है ए का स्केयर नहीं है तो ये टर्म्स like नहीं है ए स्केयर बी ए स्केयर बी वाली ये नहीं है ये भी नहीं है ये री ए स्केयर बी वाली तो आपके पास ए स्केयर बी और माइनस का फोर ए स्केयर बी तो कितना हो गया वन का वन ए स्केयर बी एंड माइनस का फोर ए स्केयर बी तो वन माइनस फोर कितना हो जाता है वन में से फोर तो जाने से रहा फोर में से वन जाएगा तो कितना हो जाता है वो थ्री वेरिएबल सेम लगा दिया हमने साइन हम माइनस का कंसीडर करेंगे क्योंकि वन से फोर ग्रेटर है और फोर के साथ माइनस है तो इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस थ्री ए स्केयर बी चलो जी इनकी तो बात हो गई अब रह गया ये बीस के रे ये भी बीस के रे है ये वन बी स्केयर ए टू बी स्केयर एडिशन के हैं तो वन और टू थ्री बी स्केयर ए ठीक है तो ये ऐसे होंगे एक थर्ड पार्ट और करते हैं हम यहीं पे इसका आप, आपके पास स्टेटमेंट रहेगी ए स्केयर प्लस टू बी स्केयर प्लस थ्री सी स्केयर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है फोर ए स्केयर प्लस थ्री बी स्केयर माइनस फोर सी स्केयर नेक्स्ट थर्ड टर्म देखिए फोर ए स्केयर माइनस थ्री बी स्केयर प्लस ऑफ सी स्केयर ये तीन टर्म है जो आपने ऐड करनी है बाय होरिजेंटल मेथड देखिए अब ए स्केयर फोर ए स्केयर फोर ए स्केयर आप मैंने एक कोमा यहीं पे हटा रही हूँ मैंने यहाँ पे प्लस के साइन लगा दिए एक स्टेप खत्म कर रही हूँ मैं यहाँ पे देखिए अब ए स्केयर फोर ए स्केयर क्योंकि और तो ये बी स्केयर में है ये सी स्केयर में लाइक टर्म सीखने ना ए स्केयर फोर ए स्केयर फोर ए स्केयर तो कितना हो गया फोर फोर एट और वन नाइन नाइन ए स्केयर ठीक है अब देखिए बी स्केयर वाली टर्म टू बी स्केयर थ्री बी स्केयर प्लस की हैं टू और थ्री फाइव कोई और भी है बी का ये रहा बट ये माइनस का है ठीक है फाइव हमारे पास हो गया था फाइव माइनस थ्री टू तो टू बी स्केयर अब देखिए सी का थ्री सी स्केयर माइनस फोर सी स्केयर थ्री प्लस के हैं माइनस का फोर है तो वन माइनस वन सी माइनस सी स्केयर रह गया और यहाँ पे प्लस का सी स्केयर ये देखिए आपको करके दुखाऊँ मैं दोबारा थ्री सी स्केयर माइनस का फोर सी स्केयर एंड प्लस का सी स्केयर पहले प्लस प्लस वाले देख लो थ्री प्लस वन फोर थ्री प्लस वन फोर सी स्क्यर हो गया फोर सी स्क्वायर में से फोर सी स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या रह गया ये जीरो रह गया तो आपको यहाँ पे नीड नहीं है जीरो लिखने की तो आपका आंसर क्या आ गया नाइन ए स्केयर प्लस टू बी स्केयर तो ये कौन सा मैथड था आपका होरिजेंटल मैथड नेक्स्ट फोर्थ सम में वर्टिकल मैथड है तो आइए करते हैं उसको भी डिस्कस वर्टिकल मैथड में फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम टू ए प्लस थ्री बी माइनस सी सिंगल टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ठीक है हमने क्या करना है इसका एडिशन करना है देखिए तो पहले जो सबसे पहली टर्म दी हुई है हम उसको सबसे ऊपर लिख लेंगे टू ए प्लस थ्री बी माइनस सी जो सेकेंड टर्म है वो उसके नीचे और जो थर्ड टर्म है वो उसके नीचे बट हमने ये ज़रूर देखना है हम लाइक like टर्म्स के नीचे ही रखें यानी कि ए के वाली के नीचे ए वाली टर्म लिखें बी वाली के नीचे बी वाली और सी वाली के नीचे सी वाली अब देखिए यहाँ पे टू बी है तो हम यहां नहीं लिखेंगे टू बी कहां लिखेंगे यहां पे, प्लस की है तो प्लस सी लगा देंगे इसके आगे टू बी के बाद थ्री सी प्लस की है तो थ्री सी यहां पे माइनस का ए तो हम माइनस का ए इधर लगा देंगे साइन जरूर कंसीडर करने हैं और ये भी देखना है कि सेम अल्फाबेट के नीचे सेम वेरिएबल के नीचे सेम टर्म आए नेक्स्ट वन इज टू सी प्लस की है प्लस का ए माइनस का बी मैंने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है यानी कि कोई भी कुछ नहीं लगाया था तो अंडरस्टूड है वो प्लस ही होता है वो देखिए वर्टिकल मेथड ऐसे ही होता है ये वर्टिकल मेथड है प्लस करना है मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा सारा प्लस लगा दिया देखिए अब टू ए माइनस का है टू ए प्लस ए थ्री ए थ्री ए में से एक ए माइनस हो गया तो कितना हो गया अगेन टू ए टू ए प्लस ए थ्री ए थ्री ए, थ्री ए में से वन ए माइनस हो गया दैट इज़ टू ए थ्री बी प्लस टू बी फाइव बी फाइव बी में से वन बी माइनस हो गया दैट इज फोर बी माइनस का सी प्लस का थ्री सी प्लस का टू सी थ्री प्लस टू फाइव सी फाइव सी में से वन सी माइनस हो गया दैट इज प्लस का फोर सी ठीक है बहुत सिंपल है, दैट इज वर्टिकल मेथड फॉर एडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई जेड फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई जेड फर्स्ट वाली तो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि फर्स्ट के ऊपर कोई टर्म नहीं है ना तो हमें लाइक टर्म देखने की नीड नहीं होती सेकेंड और थर्ड में चेक करना होता है सेकेंड देखिए एक्स वाई एक्स वाई वाली एक्स वाई के नीचे माइनस टू एक्स जेड अब देखिए यहाँ पे ये तो वाई जेड है ये एक्स जेड है है नहीं इसके नीचे कुछ छोड़ दो इसको अलग लिखो क्योंकि हमें तो ऊपर लाइक टर्म ही चाहिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे थर्ड टर्म देखिए अब हमने ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर ये सेम वेरिएबल नहीं है तो उसको अलग लिखें हम तीसरी टर्म बना दो कोई चक्कर नहीं और वेरी उसके साथ साइन भी सेम रहे माइनस थ्री वाई जेड वाई जेड है कहीं पे ये रहा इसके थर्ड तीसरी टर्म में हमने माइनस का थ्री वाई जेड प्लस का टू एक्स जेड प्लस का टू एक्स जेड देखिए इसके नीचे एक्स वाई वाली टर्म नहीं आई कोई चक्कर नहीं आई तो अब है नहीं तो कहाँ जीरो लगा दो यहाँ भी ज़ीरो लगा दी यहाँ भी ज़ीरो लगा दें नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और अगर आपको नहीं सम, थोड़ा डिफिकल्टी होती है तो आप यहाँ पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दीजिए फोर एक्स वाई प्लस एक्स वाई फाइव एक्स वाई थ्री थ्री वाई जेड माइनस का थ्री वाई जेड क्या रह गया कुछ नहीं रहा ज़ीरो यहाँ पे माइन माँण, माइनस का टू एक्स जेड प्लस का टू एक्स जेड ये भी कैंसिल हो गया यहाँ भी क्या रह गया जीरो हमें ये नीड नहीं है दोबारा लिखने की हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं फाइव एक्स वाई दैट इज़ योर आंसर ठीक है तो ये वर्टिकल मेथड है आपने अपनी एक, सारी एक्सरसाइज फेयर नोटबुक पे कर लेनी है आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे